ऊपर ही जमीन के ऊपर ही रख के ईटर लेकर चले गए हैं। आपको नहीं बताया? आप हमने नहीं बताया। कब्रिस्तान के अंदर दफना जाते ना, ये लोग केयर करते हैं। इधर तो बगैर कबर नहीं निकलेगी, इधर तो बगैर। उन्होंने कहा पीछे जंगल ना उसे दफना दे, उन्होंने कहा कि तू स्लैब ही ना पा इतने उत्ते जमीन ते रख के चला जा। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं MYK न्यूज टीवी, मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। दरोगे वाला कब्रिस्तान के अंदर अभी हम मौजूद हैं, पुलिस की भारी नफरी यहां पे मौजूद है। सोशल मीडिया पे खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि 3 घंटे का बच्चा, ना 6 माह का ना साल का, 3 घंटे का बच्चा जो उसके वालिद उसको तदफीन करके घर जाते हैं, अगले दिन आते हैं कब्रिस्तान और कब्र के अंदर बच्चा मौजूद नहीं होता। बच्चा कहाँ गया? कोई जानवर ले गया या कोई जादू टूना करते हैं वो लोग ले गए हैं। कब्रिस्तान इंतज़ामिया से जानेंगे आज कि इसमें गफलत किसकी है, कब्रिस्तान इंतज़ामिया की गफलत है इसमें, और इनके क्या रूल हैं, इनका क्या तरीक़ाकार है कि पर्ची मेन पॉइंट कब्र के अंदर, कब्रिस्तान में जब आप एंटर होते हैं या किसी की डेथ हो चुकी है तो आप पर्ची एक बनवाते हैं, एक पर्ची बनवा के उस पर मैंशन होता है कि ये इस एरिए से आया है, बच्चा है, बड़ा है, बुज़ुर्ग है, जो भी मामलात हैं वो पर्ची देते हैं और पर्ची दे के उसको आके इनको देते हैं गोरकन को कि ये पर्ची है और हमने यहाँ पे कब्र निकलवानी है और ये मामलात हैं। लेकिन आज जो ये मामला बच्चे वाला है ना, ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया है और ये कब्रिस्तान इंतज़ामिया से ही क्लियर होगा कि क्या मामलात हैं, असल हकाइक उन्हीं से जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। क्या हुआ आपको? पुलिस पकड़ के लेके जा रही है। पुलिस पकड़ के इस करके लेके जा रही है, गलत बच्चा इधर दफना गया लोग, ठीक है, और अंजाम था हमारे ऊपर आ गया। कोई पर्ची नहीं बताई, कोई कुछ नहीं किया, ना हमें बताया हम इधर दफनाने, चोरी है, चोरी दफना कर चले गए। फिर ऐसे कैसे हो सकता है, चोरी कैसे आ सकता है? बस वो सुबह के टाइम आए हैं ना यहाँ, हाँ, बात है वो सुबह के टाइम आए हैं, हमें नहीं बताया। दरवाजा जरा अभी बंद नहीं करते, खुला होता है, ठीक है, सुबह के टाइम दरवाजा बंद नहीं होता, जो मर्जी आए, बच्चा दफनाए, बड़ा दफनाए, चला जाए। नहीं, पर्ची देख के जो है ना वही तो फिर वही निकालेंगे। पूरी जमीन के ऊपर ही रख के इधर लेकर चले गए हैं। आपको नहीं बताया? आप हमने नहीं बताया किसी बात का। किसने इत्तला दी है? किसने? उन्होंने खुद आके दूसरे तीसरे दिन बाद आकर देखा, ठीक है, देखा है। तो अभी उन्होंने आप पे FIR करवाई है? हाँ जी, पता नहीं किसके ऊपर कराई है, मैं तो ये कोई सब लेके जा रहे हैं माशाल्लाह, पता नहीं दे रहे कोई बात नहीं, कानून है, कानून जो चाहे करे, हम हाजिर हैं, हमारा गुनाह ही नहीं है, हम हाजिर हैं, हम जाएंगे। आप क्या समझ रहे हैं किसकी गलती इसमें? इंतजामिया की गलती नहीं है? नहीं, इंतजामिया की कोई गलती नहीं है, इंतजामिया को इलम ही नहीं है, जो दफना के चले गए, चले गए हैं। इधर का रूल है पर्ची दे और दफनाओ, वरना कोई बंदा नहीं दफना सकता। फिर ओही गल, तू चुप नहीं करता, कुछ नहीं होंगे, अभी चलने नाल यार, चलने गल करने जा रहे, क्यों परेशान? बस ठंडा हो, कोई गल नहीं बाबा जी, काम सानू करन दे, भाई करो 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 करो, लाइए बाबे नु रहन दे यार, टिकट ही ले ले यार, ओ ये कह रहे कि बुजुर्ग भाई, बुजुर्ग नु ला, बुजुर्ग नु ला दो यार, बुजुर्ग ने साडे यार, ओ बुजुर्ग नु ले ले, ये वो फूलों वाला चाचा, मेरी गल सुन, चाचा गल तो सुन, मुंडे ने लिया यार, बुजुर्ग नु ला दो हाड़ का बसरा, मामला बुजुर्ग हाड़ का मसला, उन्होंने चले अटैक ही ना,
ਗਰਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੇ ਰੂਲ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚੀ ਹੋ ਗਈ ਤੋ ਕਬਰ ਯਹਾਂ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਅਸੂਲਨ ਲੇਕਿਨ ਪਰਚੀ ਕੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਦਫਨਾ ਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਫੋਤ ਹੋਏ ਨੇ ਆ ਪਰਚੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਪਰਚੀ ਲੈ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਪਰਚੀ ਭਾਈ ਹੋਣੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਭਾਈ ਹੋਣੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਫੇਰ ਹੋਣਾ ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਈ ਭਾਈ ਉਹ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਲੈ ਹਾਂ ਬਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਗੁੰਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਬਰ ਖੋਦ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੋ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਬੈਠੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਨੇ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਪਰਚੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਆਪਕੇ ਇਲਮ ਮੇਂ ਥਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਕੋ ਕੈਸੇ ਇਲਮ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਰਚੀ ਪਰਚੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਹੋਤੇ ਹੈ ਚਾਚੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਇਨਕੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜੋਨ ਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਕੋ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਨਕੇ ਬੇਟੇ ਹੈ ਔਰ अल्लाह ताला खैर करेगा। परेशान नहीं होना यार क्या हो गया आप बताएं ज़रा क्या मामलात हैं। अल्लाह खैर करेगा आपके साथ खड़े हुए हम बताएं जहाँ पे कोई नजायज़ कोई हक गलत करेगा हम आपके आवाज़ बनेंगे बताएं ज़रा। बाबू सानू किसी गल का नहीं पता ना कि कसम खाती हाथ जोड़े ने इन्होंने अगे घर जा के कि सानू नहीं पता ना तू सानू तलाह दी है असं घर चौबीस घंटे इतने हाँ इन्होंने सानू भी नहीं दसा उत्तों साढ़े ना भी बदतमीजी नहीं मेरी बात सुने अभी आप बता रहे हैं ये बता रहे हैं कि हमने घर जाके खुद ही माजरत की है लेकिन वहाँ पे वो साहब कह रहे थे कि ए आप आए ने मेरी बुढ़ी के पैरों से पै गए ने लोग आके कैसे वो कह रहे हैं पते भाई वो ऐसे करके ना वो तो इशूज बना रहा सी उन्होंने कहा यार एक तो तू दसिया नहीं एक तू इजाजत नहीं लई उ तू साढ़े फिर भी इल्जाम लाई जा रहा अभी भाई सानू माफ़ कर दिया लवस्त करके सानू नहीं इतलाह दी जरा जिनी भी इतलाह नहीं दी हालांकि सामने मेरा घर मैं दो दिन का मसलसल जागना पाया सा मेरे इंतजामिया पुछो किनिया परचियां आईया रात सारी कबर निकल दया रही मैं ते बैठा रहा इन्होंने मैं तलाह नहीं दी। और अभी ये तफ्तीश के लिए लेके गए हैं हाँ भैन सानू तलाह ही नहीं है तो इस पे अगर उनके कुछ ज्यादा तो नहीं मामला रिलीव कर देंगे भैन गल है वे के मेरे वाले साहब मामला इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया भैन ए भी तो है ना सानू की पता इस बंदे ने दफनाया वे के नहीं दफनाया सानू पता ही नहीं हाँ जी सानू पता हाँ जी इंतजामिया क्या करे और उनके इलम में ही नहीं है जहाँ एंट्रेंस हो रही है ना तो ये सामने बैठे होते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है एक पर्ची है हर चीज़ होती है और अभी ये अंकल को ले गए तफ्तीश करेंगे जाके हाँ जी हम जा रहे हैं पीछे ही हम जा रहे हैं तो देखे ना वो बच्चा है ना फिर उसके वालद है हम लेके गए हैं लेकिन हम जा रहे हैं इंतजामिया जा रही है पीछे होता है लेकिन खिदमत ही कर रहे हैं आवाम की ये लोगों की देखभाल करते हैं ये जो लोग घरों में कह रहे हैं ना माँ बाप की किसी की करते और कब्रिस्तान के अंदर दफना जाते ना ये लोग केयर करते हैं सारा रूल लिखा हुआ है कि ये कब्र तरीकाकार है वो हमने नंबर दिए हुए हैं कि किसी को किसी का शिकायत है कोई काम है तो हमसे रब्ता करें और सामने घर है कोई दूर है यार ये सामने घर है चौबीस घंटे अभी आते हैं ज्यादती है साढ़े नाल यार मेरे वाले साहब को दिल का मसला है यार उन्हें दिल से ला लेनी नहीं लाता चले ये कौन से थाने लेके जा रहे हैं है? भगवानपुरा में हाँ जी एफआईआर कटी है कि नहीं नहीं वो जाएंगे तो पता चलेगा ना एफआईआर कैसे काट सकते हैं किसकी एफआईआर काटेंगे। अच्छा आप देखें ले गए हैं एफआईआर कट गई है किस जुर्म में इनको अंदर रख सकते हैं कि बच्चा हमें वापस ला के दो पता नहीं और देखे ना हमें तो पता ही नहीं दफनाया भी है कि नहीं हम इंतजामिया हैं दस बंदे हैं किसी को बता सकते हैं नंबर लिखे हुए हैं हमारे ठीक है ये सारा रूल लिखा हुआ है हाँ क्योंकि तुम पर्ची तो बगैर तो कबर है किसी का कार्ड मनसूख करा इन्हें बगैर इजाजत तो क्यों दफनाया का मतलब कि उनके पास वो कह रहे हैं मेरे पास कार्ड है तो मैं जब मर्जी आके दफना सकता हूं बगैर भी पर्ची बनती है कार्ड भी है ना कार्ड भी आपके पास है तो उसकी भी पर्ची बनती है
ਪਰਚੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਚੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪਰਚੀ ਹੈ ਜੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਵਰ ਕੱਢਣ ਆਏਗਾ ਪਰਚੀ ਦੇਗਾ ਚਾਹੇ ਕਾਰਡ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢੇਗਾ ਉਹ ਚੋਰ ਖੁਦ ਹੋਏਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਫਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਫਨਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਿੰਬਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿੰਬਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਭੀ ਇਹ ਜੋ ਫੁੱਲ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਫੁੱਲ ਵਾਲੇ ਕਾ ਇਸ ਮੇ ਕਿਆ ਕਿਦਾ ਉਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਵੇਚਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ हाईलाइट हो गया है कब्रों के अंदर भी महफूज नहीं है लोग कहाँ जाएं क्या मामला करें उनको बुजुर्ग आदमी है उनको दिल का मसला है बेटा उनका रो रहा है कि कुछ हो ना जाए क्योंकि जो उनका नुकसान होना बच्चे का तो वो तो अल्लाह बेहतर जानता है कि जानवर लेके गया है कौन लेके गया है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें अल्लाह हाफिज़।